हमारे उल्हासनगर के रास्तों का जो कंडीशन है वो ऐसे लग रहा है कि हमारा शहर वेंटिलेटर पे है। जगह जगह पे पोर्ट होल्स है, ऊपर से त्यौहार है, चालिया साहिब चालू है, गणेश उत्सव आना है, दही हंडी आना है। ऐसे में अगर 3 दिनों के अंदर रोड का काम नहीं चालू हुआ, पोर्ट होल फिलिंग का काम नहीं चालू हुआ, तो टीओ के रास्ते पर उतर कर आंदोलन करेगी। और उसी के साथ साथ मेरा हमारे शहर के लोगों को, पर्टिकुलरली जो हमारे शहर का यूथ है जो कहाँ ना कहाँ सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत भी एक्टिव होगा, तो एक हमने मुहिम चालू किया है सेल्फी विद पॉटहोल्स के। अपना एक सेल्फी खुद का पॉटहोल्स के साथ में एक सेल्फी क्लिक करके हैशटैग सेल्फी विद पॉटहोल्स पर टैग करेंगे। तो जैसे हमारे जो शहर के आमदार है, आप सभी को पता है कि कॉरपोरेशन आज जो है वो ये कॉरपोरेटर्स को कोई भी पावर नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लागू है हमारे शहर में। ऐसे में कमिश्नर है और जो सिटिंग हमारे आमदार है, इनकी जवाबदारी बनती है रोड बनाना। तो मैं सभी हमारे शहर के युवाओं को पर्टिकुलरली बोलूंगा कि हैशटैग सेल्फी विद पॉट होल्स को जरूर टैग करें। बहुत फंड आए लेकिन बैनर तक, वो सब जो फंड आते हैं उसके बैनर लगते हैं, उसका बहुत पब्लिसिटी किया जाता है और ग्राउंड लेवल पे अगर देखेंगे तो जीरो है। जगह जगह पे हमारे जो आमदार हैं वो तो अपनी गाड़ी में नारियल लेके ही घूमते हैं कि जहाँ खड़े हुए उधर नारियल तोड़ा कि हमने मुहूर्त किया, बट काम कभी भी चालू होता नहीं है। ये जितने भी फंड हैं सब नाम के लिए हैं और कहाँ ना कहाँ प्रशासन इस चीज़ में फेलियर है प्रशासन का। तो आपने इसके लिए कुछ आयुक्त से बात की है कि 100% किधर हमने किसे किधर हमने काम है उधर जाके देखना है? हमने बात किया है। जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत जो काम हुआ है, समझो अगर कहाँ 50 लाख का फंड पास किया गया है तो वहाँ 10 लाख का काम हुआ है। तो इतना ज़्यादा करप्शन हमारे शहर में बढ़ चुका है और आए दिन, अभी तो काफ़ी समय से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने होर्डिंग्स लगा रहे हैं, हम इतना फंड लेकर आए, हम उतना फंड लेकर आए। तो आज मैं हमारे शहर के लोगों को बोलूँगा, उन लोगों से ये पूछे जिन लोगों ने होर्डिंग लगाया कि ये हमारा फंड गया किधर है और हमारे शहर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।